नाभि पर बस यह लगाने से आप अपने जीवन में धन, समृद्धि, प्रेम, आत्मविश्वास और मान सम्मान को आकर्षित कर सकते हैं। आपके जीवन में इतने सारे चमत्कार होंगे, आपकी इतनी सारी परेशानियां इस छोटे से टेक्निक से, इस छोटे से उपाय से दूर हो सकती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। नाभि इतना ज़्यादा पावरफुल है, नाभि की टेक्निक इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आप खुद नहीं सोच सकते। आखिर नाभि का स्थान इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों रखता है, तो उसके पीछे का आपको कारण समझना होगा, साइंटिफिक वे में भी यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, दोनों ही तरीके से ये जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। नाभि वह स्थान होता है जहाँ पे आपकी प्राण शक्ति का केंद्र होता है। अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से जाने तो इसे हम बोलते हैं मणिपुर चक्रा, और अगर आप इसे साइंस में समझने की कोशिश करेंगे तो ये एनर्जी पॉइंट है, वो पॉइंट है जहाँ पे 72,000 यानी 72,000 नाड़ियाँ आके मिलती हैं। ये वह स्थान होता है जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है और गर्भ नाल से जुड़ा होता है, तब उसे पूरे 9 माह तक जो पोषण मिलता है प्लेसेंटा से जो ये जुड़ा होता है, तो जब 9 माह तक पोषण मिलता है वो बच्चे को नाभि से ही मिलता है। यानी हम सभी जब माँ के गर्भ में थे तो 9 महीने तक हमने जो सांस ली है, ऑक्सीजन ली है, वो अपनी नाभि से ही ली है। हमने जो पोषण लिए हैं वो भी अपनी नाभि से ही ली है। इसलिए ये स्थान बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी इंसानों की जो एनर्जी सेंटर्स हैं, मुख्य 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, ऊर्जा के केंद्र हैं, जिसमें से ये जो मणिपुर चक्रा है यानी नाभि का स्थान है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप सोसाइटी में मान सम्मान चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका सन स्ट्रांग हो, आपका सूर्य स्ट्रांग हो, एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखते हैं, तो भी आपको कहा जाएगा कि अपने मणिपुर चक्रा को बैलेंस करिए, अपनी एनर्जी को बढ़ाइए। आप चाहते हैं पूरे समाज में आपका नाम हो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, हर चीज के लिए आपको इस पॉइंट को एक्टिवेट करना होगा, एनर्जी ज़्यादा इसकी बढ़ानी होगी। तो आज हम जानेंगे नाभि पे अलग अलग ऐसी क्या क्या चीज़ें लगाई जा सकती हैं जो आपको अलग अलग तरीके से बेनिफिट करें। यानी यहाँ पे आपकी 5 प्रॉब्लम या 5 तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 5 तरह की क्या चीज़ें आप लगाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर आपकी कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी एज के हैं या अपने छोटे बच्चे के लिए भी ये चीज़ कर सकते हैं, तब आप उस पे मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल लगाएंगे। समय का बहुत ही विशेष ध्यान रखना है और किस तरीके से लगाते हैं इसका भी विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक दिक्कत नहीं है, तब आप रोज़ 2 से 4 बूंद सरसों का तेल लेंगे, उसे नाभि में लगाएंगे जब आप सुबह नहाते हैं, उसके बाद नाभि पे लगाएंगे और अपने दोनों हाथ को रब करके थोड़ी सी ऊर्जा देंगे उस स्थान पर, थोड़ी सी ऊर्जा देंगे, बस हाथ को रब करके गर्म करके उस स्थान पे लगा लेंगे। इससे क्या होता है, हीलिंग होती है, वो जो आपने ऑयल दिया है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ पे जो आप ऑयल दे रहे हैं, नाभि पे जो ऑयल लगा रहे हैं, इससे आपको पूरी बॉडी को बेनिफिट होता है, क्योंकि जब आप पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं ना तो पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है। तो ये आपके बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा, आपकी आंखें अच्छी रहेंगी, आपके लिप्स अच्छे रहेंगे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी नींद आएगी, फेस ग्लो करेगा, तो ये कॉमन है। अब बात करते हैं 5 तरह की प्रॉब्लम्स की। अगर आप अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, पैसों को आकर्षित करना चाहते हैं, धन के लिए चुंबक बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, गुलाब का इत्र लेना है, यानी सुगंधित इत्र लेना है। अगर आप गुलाब का लेते हैं तो बहुत अच्छा है, उसे अपनी नाभि पे लगाना है और 21 डेज तक इस चीज़ को करना है। मनी के लिए आप मैग्नेट बन जाएंगे, आपके लिए पैसों के सारे रास्ते खुलने लगेंगे। अगर आप अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से बचाना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी है, लोग आपके काम में बाधाएं उत्पन्न करते हैं, तब आप क्या करेंगे, आप हनुमान जी के मंदिर से पीला सिंदूर जाके ले आएंगे और उस पीले सिंदूर को अपने नाभि पे लगाएंगे 21 डेज तक। आप
देखेंगे कि आपकी पॉजिटिविटी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा और नेगेटिव एनर्जी से भी आपकी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन होगी। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम रहता है, आप प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते, चार लोगों के बीच में अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे पाते, आप ग्रुप डिस्कशन में नहीं बोल पाते हैं या आपका बच्चा नहीं बोल पाता है, तब आपको क्या करना है, डेली मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल 4 से 5 बूंद नाभि पे लगाना है और उसे उसकी अपने हाथों की ऊर्जा देनी है। ये चीज़ आप नहाने के बाद भी कर सकते हैं और रात को सोते वक्त भी कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, फोर्थ चीज़ जो आपको लगानी है, अगर आपको लगता है कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती, आपको जितना मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, तो इसके लिए आपको क्या करना है, चंदन का इत्र लेना है और चंदन के इत्र को नाभि पे लगाना है। कोई भी चीज़ लगाएंगे तो उसको अपने हाथों की एनर्जी भी देंगे, ठीक है। और अगर आपको चंदन का इत्र नहीं मिलता तो आप चंदन को घिस के उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिला के और फिर उसे लगा सकते हैं। जो अगला पॉइंट होता है कि अगर आप लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपने स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या आप अपने हस्बैंड के साथ आपकी बात सही से नहीं होती, बार बार लड़ाइयाँ होती हैं, या वाइफ के साथ लड़ाइयाँ होती हैं, अपने पार्टनर के साथ जो बॉन्डिंग है उसे अच्छा करना चाहते हैं, अपने एक दूसरे के लिए जो थिंकिंग है उसे पॉजिटिव करना चाहते हैं, या कोई इंसान है जो आपसे बात नहीं कर रहा है, आप उसे अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे, कोई भी ऐसा एसेंशियल ऑयल ले लेंगे जिसकी खुशबू आपको बहुत पसंद है, एक सुगंधित इत्र लेंगे, उसे अपनी नाभि पे लगाएंगे और लगाते वक्त उस पर्सन का नाम आपको 3 बार बोलना है। इस तरीके से 5 चीज़ें हैं जो 5 कामों के लिए आप नाभि पे लगा सकते हैं। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्पेसिफिक विश नहीं है, तो आप केवल सरसों का तेल लगा सकते हैं और आज से ये करना शुरू करिए। आपकी लाइफ मैग्नेटिक तरीके से बदल जाएगी, आप मिरेकल्स के लिए मैग्नेट बन जाएंगे, आप अच्छी चीज़ों को आकर्षित करने लग जाएंगे, आप हेल्दी रहेंगे, स्किन ग्लो रहेगा और इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो आज से ही शुरू करिए।